अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आलू मसाला चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए हमने थोड़े से उबले हुए आलू को लिया है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ हमने उबले हुए चने को भी लिया। वो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट में बच गया था, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से पेपर वाली जो कप या कटोरी होती है उसमें आप इस तरीके से आलू को डाल दें। इसको हमारे पास उबले हुए चने थे फ्रेंड्स, उसको हमने डाल दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने हरी चटनी का यूज़ किया, नॉर्मल से ही चटनी जो हमारे घरों में बनी रहती है, फ्रिज में रखी रहती है फ्रेंड्स। तो इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया इमली पुदीने की चटनी है फ्रेंड्स। इसके बाद आप थोड़ी सी फेटे हुए दही को ले लीजिए और ऊपर से इस तरीके से डाल दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमने थोड़ी सी हरी चटनी और डाली है। इसके बाद फिर हम फ्रेंड्स थोड़ी सी लाल चटनी डालेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आप इसको भी डाल दें इस तरीके से फ्रेंड्स। थोड़ी सी पापड़ी हमारे पास मौजूद थी तो उसको भी हमने तोड़ करके फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी सी हमने इमली की चटनी लिया, तो इमली की खट्टी मीठी चटनी है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसे भी आप इसमें डाल दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया चटनी है फ्रेंड्स। इसके बाद थोड़ा सा आप इसके ऊपर दही इस तरीके से डाल दें। तो हमने डबल लेयर में इसको असेंबल किया है फ्रेंड्स। इसके बाद थोड़ी सी हमारे पास पापड़ी बची हुई थी तो मैंने उसे डाल दिया। अगर आपके पास नहीं तो चाट वाले जो भैया से हम लोग पानी फुल्की खाते हैं ना, तो उस वाली फुल्की को भी आप तोड़ के इसमें डाल सकते हो। थोड़े से मसाले हम डाल लें, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दें, थोड़ा सा काला नमक डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए और थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें चाट मसाला डाल दीजिए। अब ये हमारी बढ़िया से बेहतरीन सी चाट आलू की तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।